आज बांग्लादेश में होने वाला है ब्लैकआउट। कैसे बांग्लादेश की पावर अडानी के हाथ में है, पड़ोस में होने वाले अंधकार के लिए कौन जिम्मेदार। पहले ही बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा बांग्लादेश अब एक और नई मुसीबत में पड़ सकता है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का बकाया बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा बिजली अडानी पावर से ही मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और मैं हूँ आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बांग्लादेश को अडानी पावर झारखंड लिमिटेड यानी कि एपीजीएल से बिजली मिलती है। ये बिजली गोडा के प्लांट से दी जाती है। एपीजीएल बांग्लादेश को उसकी जरूरत की 30% बिजली देता है। बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि बीपीडीपी पर एपीजीएल का $85 करोड़ करीब 7,200 करोड़ रुपए का बकाया है। ऐसी खबरें हैं कि अडानी ग्रुप ने बकाया चुकाने के लिए 7 नवंबर यानी आज का समय दिया है। अगर 7 तारीख तक बकाया नहीं दिया गया तो अडानी पावर बांग्लादेश की सप्लाई रोक सकता है। अगर अडानी पावर सप्लाई रोकता है तो बांग्लादेश में बिजली का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है, जिससे उसकी बदहाल अर्थव्यवस्था और चौपट हो सकती है। अडानी पावर और बांग्लादेश में क्या रिश्ता है, ये भी आपको समझाते हैं। बिजली सप्लाई के लिए अडानी पावर और बांग्लादेश सरकार के बीच नवंबर 2017 में डील हुई थी। 10 अप्रैल 2023 से एपीजीएल ने बांग्लादेश को बिजली देना शुरू किया था। इस समझौते के तहत अडानी पावर अगले 25 साल तक बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करता रहेगा। अडानी पावर के गोडा प्लांट से हर दिन 1496 मेगावाट बिजली की सप्लाई होती है। अडानी पावर बांग्लादेश को 10-12% प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देता है। अडानी पावर के अलावा बांग्लादेश में 3 और बड़े प्लांट है जो बिजली की सप्लाई करते हैं। एक प्लांट पटुआखाली जिले के पायरा में है, जहां हर दिन 1244 मेगावाट बिजली पैदा होती है। दूसरा रामपाल प्लांट खुलना डिवीजन में है, जहां से रोजाना 1234 मेगावाट बिजली की सप्लाई की जाती है। जबकि तीसरा बांसखाली प्लांट का मालिकाना हक बांग्लादेश के बड़े कारोबारी घराने एस आलम ग्रुप के पास है। अब ये पूरी बात जो है बनते बनते बिगड़ गई थी। आपको बता दें, बांग्लादेश पर अडानी पावर का बकाया इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि वो उसे कम भुगतान कर रहा था। जब शेख हसीना की सरकार थी तब अडानी पावर को हर महीने 6 से 6.5 करोड़ का भुगतान किया जाता था, लेकिन मोहम्मद यूनिस की सरकार में ये कम होता हुआ नजर आया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जुलाई और अगस्त में बांग्लादेश ने अडानी पावर को $3.1 करोड़ का भुगतान किया था। सितंबर में 8.7 करोड़ और इसके अलावा अक्टूबर में $9.7 करोड़ का भुगतान किया गया था। जब बकाया बढ़ता जा रहा था तो अडानी पावर ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बांग्लादेश को 30 अक्टूबर तक भुगतान करने को कहा था, लेकिन दबाव बढ़ा तो बांग्लादेश ने $17 करोड़ करीब 1500 करोड़ को लेटर ऑफ क्रेडिट देने के लिए कह दिया। अडानी पावर ने इसे मंजूर कर लिया, लेकिन जब बांग्लादेश ने बताया कि वो ये लेटर ऑफ क्रेडिट कमर्शियल बैंक की बजाय कृषि बैंक से देगा तो उसे अडानी पावर ने ना मंजूर कर दिया। क्यों नहीं चुका पा रहे हैं पैसा, ये भी बड़ा सवाल है, इसे समझाते हैं। बांग्लादेश लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ये किसी से नहीं छुपा। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जून में बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में $25,823 मिलियन से ज्यादा था, जबकि सितंबर तक ये कम होकर $24,863 मिलियन पर आ गया। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की आर्थिक हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो अडानी पावर को बड़ी रकम चुका पाए। बांग्लादेश सरकार अभी बड़ी रकम चुकाने का जोखिम उठा भी नहीं सकती है। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालते ही उन्होंने अडानी पावर के साथ क्विज डील को रिव्यू करने का फैसला लिया था। उनका तर्क है कि अडानी पावर बहुत महंगी बिजली बेच रहा है। अब आगे क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करती हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि अडानी पावर ने 7 नवंबर यानी आज तक का अल्टीमेटम दिया था। अगर आज बात नहीं बनी तो अडानी पावर बांग्लादेश को देने वाली बिजली रोक देगा। अगर ऐसा होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ जाएगा। आपको बता दें कि कोयला नहीं मिल पाने के कारण बांग्लादेश के रामपाल और बांसखाली प्लांट में पहले बिजली के प्रोडक्शन में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में अडानी पावर भी अगर बिजली रोक देता है तो वहां
ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनने वाली है। आलम यह है कि वो और कोयला भी नहीं खरीद पा रहे क्योंकि भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पर उसका पहले से ही बकाया है। अगर बिजली का संकट और गहराता है तो सबसे बड़ा झटका उसकी गारमेंट इंडस्ट्री को पड़ जाएगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में गारमेंट इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। उसकी जीडीपी में 12% से ज्यादा योगदान गारमेंट और टेक्सटाइल का ही होता है। इससे उसके एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में और कमी आ जाएगी। तो ये बांग्लादेश और अडानी पावर से जुड़ी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया और तमाम एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।